पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। वोट लेने के अब वोट लेने के बाद बोलते हैं नहीं देंगे, मुख्यमंत्री कहते थे आंदोलन करेंगे, आप मुंह में दही जमा के बैठे हैं। बढ़ता अपराध को लेकर के मुख्यमंत्री अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं। उनको ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना कुछ बोल रहा है। माननीय तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, राजनीतिक प्रवासी हैं, चंद दिनों के लिए बिहार आए फिर चल पड़े विदेश की ओर, तो स्वाभाविक है जो राजनीति को जिस तरीके का आचरण उनका है, उनके पिताजी के शागिर्द रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक बयान से अब जदयू भड़कती नजर आ रही है। दरअसल तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया था और नीतीश कुमार को गूंगा बहरा तक कह दिया था। जी हां, तेजस्वी यादव दरअसल बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर नीतीश कुमार को घेर रहे थे और उसी मुद्दे पर बात करते करते नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव गूंगा बहरा तक कह गए, जिसके बाद अब बिहार की सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। जदयू भड़की हुई है तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव का हम आपको पहले वो बयान सुनाते हैं जिसमें नीतीश कुमार को वो गूंगा और बहरा तक कह गए थे। आप देखिए, केंद्र सरकार तो मना कर दिया बिहार को कि स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे, वोट लेने के समय तो देंगे, अब वोट लेने के बाद बोलते हैं कि नहीं देंगे। मुख्यमंत्री कहते थे आंदोलन करेंगे, अब जो है मुंह में दही जमा के बैठे हैं। बढ़ता अपराध को लेकर के मुख्यमंत्री अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं। उनको ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना कुछ बोल रहा है। बिहार में भूमि ये हकीकत है। जो लैंड सर्वे जो हो रहा है उसमें कितने लोग परेशान हैं, कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या ये मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं देता? क्या रोक देना चाहिए लैंड सर्वे आपको और सरल और सुगम बनाना चाहिए। जो भी व्यवहारिक समस्याएं हैं उसको दूर करना चाहिए, उसको सरल और सुगम बनाने की जरूरत है। लेकिन आप देखिएगा, क्या मुख्यमंत्री कुछ ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती? बीजेपी के प्रदेश ये हकीकत है। जब तक आप सवाल मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं और निशाना साधते साधते नीतीश कुमार के लिए ऐसा बयान दे गए जिसके बाद अब जदयू भड़क गई है और जदयू की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाने वाले नीरज कुमार की, तो तेजस्वी यादव को जमकर सुनाया है, मर्यादाहीन भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, पहले आप वो सुने। 22 महीना पहले रहे, 17 महीना बाद में रहे, मुख्यमंत्री गूंगा हो गया। माननीय तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, राजनीतिक प्रवासी हैं, चंद दिनों के लिए बिहार आए फिर चल पड़े विदेश की ओर, तो स्वाभाविक है जो राजनीति को जिस तरीके का आचरण उनका है, उनके पिताजी के शागिर्द रहे हैं, उनके पिताजी बाद में मुख्यमंत्री बने, माननीय नीतीश कुमार जी उसके पहले केंद्र सरकार में मंत्री बन गए, 17 महीना और 21 महीना हमारे साथ काम किए। जिन शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने किया है वह भाषाई मर्यादा को तोड़ दिया। इसका मतलब सीधा है, हताशा में, बेचैनी में, चिड़चिड़ापन में कंगो तबाह हो चुके हैं, इसीलिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। भाषाई रूप से वैचारिक दरिद्रता का यह परिचायक है। तो हम तो यह जरूर, हमको ऐसा लगता है कि जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है तो अपने घर में भी इसी भाषा का इस्तेमाल करते होंगे, चूँकि संगति से गुण होत है, संगति से गुण जात। तो आपकी भाषा इतनी मर्यादाहीन हो गई तेजस्वी यादव जी कि अब आप पर टिप्पणी करना भी अच्छा नहीं लगता।
तेजस्वी यादव आए दिन कभी सोशल मीडिया पर लिस्ट बनाकर जारी करते हैं, बिहार का क्राइम रिपोर्ट जारी करते हैं, तो कभी नीतीश कुमार से कई सवाल पूछते हैं। और बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर ही तेजस्वी यादव वो बयान दे रहे थे जिसमें नीतीश कुमार को गूंगा बहरा कह गए, जिसके बाद अब नीतीश कुमार के हनुमान और जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि 17 महीने और 22 महीने नीतीश कुमार के साथ राजद की सरकार चली, लेकिन इस तरीके से असम्मानजनक भाषा का प्रयोग नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि वो अपनी हार देखकर परेशान हैं, इसीलिए मर्यादाहीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को अपने भाषा पर नियंत्रण रखने की सलाह देते नजर आए हैं नीरज कुमार, साथ ही साथ इस बयान पर नाराज नजर आ रहे थे नीतीश कुमार को, तो तेजस्वी यादव ने गूंगा बहरा कह दिया है इसको लेकर काफी नाराज नजर आ रहे थे नीरज कुमार तेजस्वी यादव से, और कहा कि लालू यादव से पहले, लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले नीतीश कुमार केंद्र सरकार में मंत्री बन चुके थे, इतने सम्मानित नेता हैं और ऐसे सम्मानित नेता के लिए तेजस्वी यादव ने ऐसे मर्यादाहीन भाषा का प्रयोग करके ठीक नहीं किया है। तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर तमाम एनडीए के नेता तेजस्वी यादव की आलोचना करते नजर आ रहे हैं, इसको लेकर नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा ये भी हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।